खबर जालौर के सायला से है, जहां कोरोना काल में विकट परिस्थिति होते हुए भी प्रवासियों की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवा निवासी गौतम जैन ने असहाय और जरूरतमंदों के लिए राशन सामग्री के 600 किट वितरित किए हैं। उपखंड के 18 गांवों में जरूरतमंद लोगों को 25 किलो गेहूं, दाल और शक्कर वितरित की गई। कोरोना महामारी में भामाशाह जगह जगह आगे आ रहे हैं व जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही सायला के मंगलवा में संद्रलोक जैन तीर्थ के भामाशाह गौतम संजी आगे आए हैं व जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के 600 किट वितरण किए हैं। हमारे साथ है भामाशाह, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गौतम संजी, आपने कितने किट वितरण किए हैं और आगे क्या करेंगे? संद्रलोक जैन तीर्थ से जितने भी यहाँ अपने 18 गांव के जिसको जरूरत है, जरूरतमंद है, वो किट वितरण किए हैं। जो किट वितरण किए, जो चीज़ एकदम जरूरतमंद को एकदम ऑन द स्पॉट लग जाए और उनको काम आ जाए, इसके हिसाब से किया है। और ये टाइम तो बारिश, बोलते हैं ना, बारिश आ गई है और इसमें जितना उगाना अच्छा उगा लो, तो ये पुण्य के सीजन है। आप पुण्य इसमें भी नहीं कर पाओगे तो कब कर पाओगे? अब ये जरूरत है। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आता तो क्या काम था अपना पैसा भी? और इसलिए हम खुद आके ये काम करते, अपने हाथों से करते हैं। और इसमें हमारी धर्मपत्नी का पूरा सहयोग रहता है कि अपनों करने का है और खुद पहुँच के करने का। हम लोग 4-5 दिन से आके ये पूरा सेटिंग करके कर रहे हैं। इसमें गेहूँ है, दाल है और शक्कर है। और कोई भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ सहयोग होगा तो हम लोग जरूर करेंगे। ये रहे हमारे साथ भामाशाह गौतम संजी, इन्होंने बताया कि हम कोविड में सब कुछ करना चाह रहे हैं, वही हमने ये राशन सामग्री किट भी वितरण किए हैं। बताया कि मेरी धर्मपत्नी की प्रेरणा से ये जो काम है वो मैं कर पाया हूँ, वही आगे भी किसी की जरूरत होगी तो जरूरतमंदों के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। कैमरामैन एसआर सुथार के साथ सुखदेव सिंह, राजपुरोहित, A1 TV, सायला।